कि मुझे लगता था कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ और मिथुन चक्रवर्ती अपनी बिरादरी के लगते थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फिल्मी सफर में स्वागत है। आप सभी ने मिथुन चक्रवर्ती और रवि किशन को एक साथ कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। रवि किशन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम तो रखा, लेकिन उन्होंने अपने पैर जमाए भोजपुरी की दुनिया में और भोजपुरी के आज के समय के सुपरस्टार हैं और साथ ही पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। भाई साहब, बात करते हैं रवि किशन ने जो मिथुन चक्रवर्ती पर खुलासा किया है। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी बात बोली है इन्होंने, और क्या कुछ बोला है मैं नहीं, खुद इनकी जुबानी आप खुद इस वीडियो में सुनिए। तो आप मिथुन चक्रवर्ती की तरह बनना चाहते थे? जी, मेरे लंबे बाल थे और मैं, सब लोग कहते थे तुम दादा लगता है, तो मैं थोड़ा टेढ़ा भी चलता था और सबको बोलता भी था कि मुझे लगता था कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ और मिथुन चक्रवर्ती अपनी बिरादरी के लगते थे। मुझे लगता था कि को लगा कि चलो ये अपनी बिरादरी के हैं तो उनका ही फैन बनते हैं तो कहीं कुछ काम है। फिर लोग बोले कि अरे दादा तो जिंदा है, वो सुपरस्टार है, तुम दादा का कॉपी करेगा तो तुम कैसे चलेगा, तुमको कुछ अलग। बट मिथुन दादा को मैं बहुत प्यार अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। मैं डिस्को डांसर या मिर्गया उनकी सारी फिल्में देखता था और दादा को भी पता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में भी साथ में की। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती पर अपनी राय रखते हुए रवि किशन नजर आए। दरअसल यह वीडियो उस समय का है जब रवि किशन मोस्ट पॉपुलर शो इंडिया टीवी का आपकी अदालत में पहुंचे थे और वहां पर होस्ट रजत शर्मा ने जब इनसे सवाल किया मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कि आप मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिखते थे या फिर मिथुन चक्रवर्ती जैसा बनना चाहते थे, ऐसे सवाल किए थे जब रवि किशन से, तो रवि किशन ने अपनी बातों को कुछ इस सादगी से रखा जो आपने अभी सुना। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती और रवि किशन की दोस्ती भी सभी लोग जानते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने रवि किशन का 90s के दौर में बहुत साथ दिया था, साथ ही भोजपुरी की दुनिया में भी उन्होंने कई फिल्में की हैं, यानी कि मिथुन दादा ने। और यही बॉन्डिंग बताती है कि सिनेमास में कैसे एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के रखा जाता है। रवि किशन बॉलीवुड के और भोजपुरी के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को तो पूरा वर्ल्ड जानता ही है। आप रवि किशन की बात से कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे? रवि किशन की जुबानी मिथुन चक्रवर्ती के लिए इन बातों पर उस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाइएगा। एक बार फिर से सुनिए रवि किशन ने क्या कुछ बोला है। को लगा कि चलो ये अपनी बिरादरी के हैं तो उनका ही फैन बनते हैं तो कहीं कुछ काम है। फिर लोग बोले अरे दादा तो जिंदा है, वो सुपरस्टार है, तुम दादा का कॉपी करेगा तो तुम कैसे चलेगा, तुमको कुछ अलग। बट मिथुन दादा को मैं बहुत प्यार अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। मैं डिस्को डांसर या मिर्गया उनकी सारी फिल्में देखता था और दादा को भी पता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में भी साथ में की।